चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे अजय देवगन साहब की साल 1991 से लेकर साल 1993 में आने वाली सभी बड़ी फिल्मों के बारे में। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता चलूं कि अजय देवगन साहब ने साल 1991 से लेकर साल 1993 तक कुल 10 फिल्मों में काम किया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे कि अजय देवगन साहब ने साल 1991 से लेकर साल 1993 तक कितनी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट दी थी, कितनी फ्लॉप। तो दोस्तों, सभी जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है, तो बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। और दोस्तों, वहीं पर जानेंगे कि अजय देवगन साहब की साल 1991 से लेकर साल 1993 तक कितनी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी, कितनी ब्लॉकबास्टर। तो दोस्तों, सभी जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है, तो बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहली फिल्म की। तो फिल्म का नाम था फूल और कांटे। ये मूवी साल 1991 में आई थी। फिल्म इसमें हमें नजर आए थे अजय देवगन के साथ, मधु अहम किरदार में थी। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में या फ्लॉप के बारे में, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता चलूं कि इस फिल्म का बजट जो था वो 3 करोड़ रुपए के बजट बनी थी। फिल्म इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर लाइफ टाइम 12 करोड़ रुपए कमाए थे। वहीं इस मूवी ने पूरे वर्ल्ड से 16 करोड़ रुपए की कमाई की थी। और ये मूवी एक्शन कॉमेडी फैमिली फिल्म थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक सुपर डुपर हिट करार दी गई थी और ये अजय देवगन साहब के करियर की सबसे पहली फिल्म थी और पहली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी सुपर हिट करार दी गई थी। उसके बाद अगली फिल्म आई थी अजय देवगन साहब की साल 1992 में। फिल्म का नाम था जिगर। ये मूवी साल 1992 में आई थी। फिल्म इसमें हमें नजर आए थे अजय देवगन के साथ, करिश्मा कपूर अहम किरदार में थी। अगर हम बात करें जिगर मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में या फ्लॉप के बारे में, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता चलूं कि जिगर मूवी का बजट जो था वो तकरीबन 2 करोड़ रुपए के बजट बनी थी। फिल्म इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 7 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए थे। वहीं इस मूवी ने दुनिया भर और पूरे वर्ल्ड से तकरीबन 12 से 13 करोड़ रुपए की कमाई की थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट करार दी गई थी। अगली फिल्म आई थी साल 1993 में। फिल्म का नाम था दिव्या शक्ति। ये मूवी साल 1993 में आई थी। फिल्म इसमें हमें नजर आए थे अजय देवगन के साथ, रवीना टंडन अंग्रेज पुरी अहम किरदार में थे। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में या फ्लॉप के बारे में, तो इस फिल्म का बजट 1 करोड़ 85 लाख रुपए के बजट बनी थी। फिल्म इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 2 करोड़ रुपए कमाए थे। वहीं पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 3.5 करोड़ रुपए की कमाई की थी और ये मूवी एक्शन कॉमेडी रोमांस से भरपूर मूवी थी। लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के हिसाब से एक फ्लॉप साबित हुई थी। अगली फिल्म आई थी साल 1993 में। फिल्म का नाम था प्लेटफॉर्म। ये मूवी साल 1993 में आई थी। फिल्म इसमें हमें नजर आए थे अजय देवगन के साथ, गुलशन ग्रोवर अहम किरदार में थे। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, तो इस फिल्म का बजट 1.85 करोड़ रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर ओनली 1 करोड़ रुपए कमाई थी। वहीं पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 1.5 करोड़ रुपए की कमाई की थी और ये मूवी एक्शन कॉमेडी फैमिली फिल्म थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी डिजास्टर करार दी गई थी। अगली फिल्म आई थी साल 1993 में। फिल्म का नाम था संग्राम। ये मूवी रिलीज हुई थी 18 जून साल 1993 को। इसमें हमें नजर आए थे अजय देवगन के साथ, आयशा जुल्का, करिश्मा कपूर, डैनी अंग्रेज पुरी अहम किरदार में थे। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में या फ्लॉप के बारे में, तो इस फिल्म का बजट 3.10 करोड़ रुपए के बजट बनी थी। फिल्म इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 4.20 करोड़ रुपए कमाए थे। अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड की, तो पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 5 करोड़ रुपए की कमाई की थी और ये मूवी एक्शन कॉमेडी फैमिली फिल्म थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी फ्लॉप साबित हुई थी। अगली फिल्म आई थी साल 1993 में। फिल्म का नाम था
शक्तिमान ये मूवी साल 1993 में आई थी। फिल्म इसमें हमें नजर आए थे अजय देवगन के साथ करिश्मा कपूर, गुलशन ग्रोवर अहम किरदार में थे। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो इस फिल्म का बजट 2,70,00,000 रुपए के बजट बनी थी। फिल्म इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 4,50,00,000 रुपए कमाई थी। वहीं पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 5,00,00,000 रुपए की कमाई की थी। और ये मूवी एक्शन कॉमेडी फैमिली फिल्म थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक एवरेज करार दी गई थी। अगली फिल्म आई थी साल 1993 में, फिल्म का नाम था दिल है बेताब। ये मूवी साल 1993 में आई थी। फिल्म अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता चलूं कि दिल है बेताब मूवी में अजय देवगन के साथ और भी एक्टर अहम किरदार में थे। इस फिल्म का बजट जो था वो तकरीबन 2,00,00,000 रुपए के बजट मनी थी। फिल्म इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर लाइफ टाइम 1,50,00,000 रुपए कमाई थी। अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड और दुनिया भर की तो इस मूवी ने पूरे वर्ल्ड और दुनिया भर से तकरीबन 2,00,00,000 रुपए की कमाई की थी। और ये मूवी एक्शन कॉमेडी फैमिली फिल्म थी, लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के हिसाब से एक बड़ी फ्लॉप साबित हुई थी, सॉरी माफ करना, एक डिजास्टर करार दी गई थी। अगली फिल्म आई थी साल 1993 में, फिल्म का नाम था एक ही रास्ता। ये मूवी साल 1993 में आई थी। फिल्म इसमें हमें नजर आए थे अजय देवगन के साथ रवीना टंटन अहम किरदार में थी। अगर हम बात करें एक ही रास्ता मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में या फ्लॉप के बारे में तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता चलूं कि इस फिल्म का बजट 2,36,00,000 रुपए के बजट बनी थी। फिल्म इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 4,30,00,000 रुपए कमाए थे। अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड और दुनिया भर की तो इस मूवी ने 5,50,00,000 रुपए की कमाई की थी। और ये मूवी एक्शन कॉमेडी फैमिली फिल्म थी, लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के हिसाब से एक बड़ी एवरेज करार दी गई थी। अगली फिल्म आई थी साल 1993 में, फिल्म का नाम था धनमान। ये मूवी साल 1993 में आई थी। फिल्म इसमें हमें नजर आए थे अजय देवगन के साथ करिश्मा कपूर और भी एक्टर अहम किरदार में थी। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में या फ्लॉप के बारे में तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता चलूं कि इस फिल्म का बजट 1,60,00,000 रुपए के बजट मनी थी। फिल्म इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर लाइफ टाइम 2,61,00,000 रुपए कमाए थे। वहीं पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 5,00,00,000 रुपए की कमाई की थी, सॉरी माफ करना, 3,50,00,000 रुपए की कमाई की थी। और ये मूवी एक्शन कॉमेडी फैमिली फिल्म थी, लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के हिसाब से एक बड़ी एवरेज करार दी गई थी। अगली फिल्म आई थी साल 1993 में, फिल्म का नाम था बेदर्दी। और ये फिल्म रिलीज हुई थी 12 नवंबर साल 1993 को। इसमें हमें नजर आए थे अजय देवगन के साथ नसरुद्दीन शाह अहम किरदार में थे। अगर हम बात करें बेदर्दी मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में या फ्लॉप के बारे में तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता चलूं कि इस फिल्म का बजट 1,79,00,000 रुपए के बजट मनी थी। फिल्म इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर लाइफ टाइम 5,44,00,000 रुपए कमाए थे, सॉरी माफ करना, 5,40,00,000 रुपए कमाए थे। अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड और दुनिया भर की तो इस मूवी ने पूरे वर्ल्ड से 6,00,00,000 रुपए की कमाई की थी। और ये मूवी एक्शन कॉमेडी रोमांस से भरपूर मूवी थी, लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के हिसाब से एक बड़ी एवरेज करार दी गई थी। दोस्तों ये रही अजय देवगन
साहब की साल 1991 से लेकर साल 1993 में आने वाली बड़ी फिल्में। तो दोस्तों अजय देवगन साहब ने साल 1991 से लेकर साल 1993 तक कुल 10 फिल्मों में काम किया था। तो दोस्तों आपकी इन 10 टॉप फिल्मों में से कौन सी मूवी आपके ज़्यादा पसंद है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों अगर आप भी अजय देवगन साहब को एक अच्छा और बेहतरीन अभिनेता मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।